आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के अट्रैक्शंस यानी आकर्षणों में एक आकर्षण है यहाँ के हॉस्टल्स। इस वीडियो में आपको ले चलूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बॉयज़ हॉस्टल यानी बॉयज़ छात्रावास के सफ़र में। आपको ये बता दें कि बॉयज़ हॉस्टल का नाम मैत्री सदन है, जो कि आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। बोर्ड में डायरेक्शन दिया गया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के हॉस्टल की तरफ। ये साइड व्यू है, जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे ये व्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी नज़दीकी व्यू है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई टावर हैं, चार मंजिला ये इमारत है, जिसमें करीब करीब 600 बेड्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं डिफरेंट कोर्सेज के। आपको यह बता दें कि इसमें यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलॉटमेंट की सुविधा है। पीएचडी के स्टूडेंट्स को हॉस्टल सुविधा फ़िलहाल नहीं दी जा रही है। धीरे धीरे हम एंटर करते हैं, ये देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है हॉस्टल का। यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड है, बोर्ड में लिखा गया है आई से नो टू रैगिंग, यानी रैगिंग फ्री कैंपस है। हॉस्टल में किसी भी तरह की रैगिंग अलाउड नहीं है। ये शिलान्यास पट आप देख सकते हैं, फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर, और यहाँ पे कुछ हॉस्टल के रूल्स लिखे हुए हैं एट ए ग्लांस। पॉइंट नंबर 1 से 23 तक आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। वहीं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आप हॉस्टल में रहेंगे। यह हॉस्टल का कर्टियार्ड यानी आंगन, जहाँ पे के बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स खेलते हुए पाए जाते हैं जब वो यहाँ रहते हैं। फिलहाल लॉकडाउन है, हॉस्टल्स खाली हैं, इसलिए कोई चहल पहल नहीं है। मैं बस आपको इमारत की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हॉस्टल कैसा है और आप यहाँ रहेंगे तो आपको कैसा फील होगा। वहीं वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं पहले से, उनके लिए भी यह वीडियो ख़ास है, क्योंकि आपकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मार्च के बाद आप नहीं आए हैं, तो इन नज़ारों को देख के, इन विजुअल्स को देख के आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा फील होगा। आपको यकीन लगेगा कि आप बिल्कुल हॉस्टल में ही मौजूद हैं। आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कमरे हैं सेंट इस हॉस्टल के, क्या क्या सुविधाएँ हैं। फ़िलहाल ये कटियट का डिफरेंट एंगल से मैं व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये फील हो कि यहाँ पर आप रहेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल मेंटेन हॉस्टल आपको दिखेगा। ये पेड़ पौधे सारे कुछ देख रहे हैं, लॉकडाउन के बावजूद भी ये मेंटेन्ड है। ये एक कमरा है, स्टैंडर्ड कमरा जो मैं दिखा रहा हूँ। 3 अलमीरे आपको दिख रहे हैं, पंखा है, लाइट है, बेड है, बेड विद मैट्रेसेस है। ये फर्नीचर है, आप देख सकते हैं, टेबल, एक कुर्सी आपको मिलेगी, बेड मिलेगा, साथ ही साथ मैट्रेसेस। एक रूम में 3 अलॉटमेंट स्टैंडर्ड तौर पर किया जाता है। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का बॉयज़ हॉस्टल। आपको पसंद आया होगा ये हॉस्टल। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट फीडबैक नीचे लिखिए, वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए। और जब तक आप ना आ जाते हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा ये विजुअल्स जब आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।